ये मत कहो खुदा से कि मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। नमस्कार दोस्तों, मैं उमंग कुमार सिंह, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इकसान नगरी में। और ये छोटा सा वीडियो मैं केवल इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि इससे पहले जो मैंने वीडियो डाला था कि आप लोग लूसेंट को शुरू करने से पहले क्या क्या चीजें आपको अरेंज करके रखनी है, लेकिन पांच ऐसी बातें, बहुत ही महत्वपूर्ण पांच ऐसी बातें आप लोग याद रखिए जो आपको करना ही करना है अगर आप लूसेंट को 30 दिन में खत्म करना चाहते हैं। मैंने नोट्स रेडी कर ली है आज के लिए नोट्स रेडी है। आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको दिखाऊंगा कैमरा पॉइंट करके। जो भी है 10 पेज की नोट्स आज कंप्लीट है, आपको याद हो जाएगा, आप लोग पढ़ लेंगे और कुछ मैप वगैरह का भी हम सहारा लेंगे, उससे भी पढ़ेंगे, हम लोग याद करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज से अवगत कराना चाहता हूँ कि अगर आप लूसेंट पढ़ रहे हैं तो सबसे बड़ी चीज कोई खेल नहीं है 300 पेज की लूसेंट 30 दिनों में। जो लोग एक साल, दो साल, पांच साल में जो है धीरे धीरे करते हुए खत्म करते हैं या नहीं कर पाते हैं, ठीक से कभी पढ़ नहीं पाए, उसको हम लोग 30 दिन में खत्म करेंगे, 30 दिन की क्लास में। तो दोस्तों, जब ऐसा कुछ हमें करना है तो हमें मेहनत भी काफी करनी है। मैं आपको बता दूं कि जब मैं लूसेंट हर एक चैप्टर में से एक या दो पेज पढ़ता था और मैंने पहली बार लूसेंट को खत्म किया था तो मुझे 3 घंटे से ऊपर का समय लगता था पढ़ने में, एक दिन पढ़ने में। अब सोचिए, ये नोट्स मैंने बनाया तो मैं क्या करता था कि एक दिन पढ़ता था, अगले दिन उसको लिखता था, बुक में जो है किताबों में अंडरलाइन करता था, अगले दिन लिखता था और हर 7 दिन पे उसको रिवाइज करता था। तो पांच चीजें बता रहा हूं, अगर ये पांच चीज आप नहीं कर सकते तो माफ कीजिएगा मुझे, आप जो है लूसेंट को मत छूइएगा, आपके बस की बात नहीं है। अगर ये पांच चीज नहीं कर सकते हैं, ये पांच कंट्रोल, ये पांच नियंत्रण खुद पे नहीं कर सकते हैं तो बिना देर किए हुए छोटा सा ही वीडियो में डाल रहा हूं, क्योंकि मैंने इस वीडियो को उसमें ऐड नहीं किया है क्योंकि लूसेंट का वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, आज पहला दिन है। पहली चीज धैर्य रखिएगा। अब अगर आप लूसेंट पढ़ रहे हैं तो बहुत सारी चीजें आपको जो है क्या होगी, टकराएंगी। आपने पहले पढ़ लिया होगा, उसको स्किप मत कीजिए, दोबारा पढ़ लीजिए, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो धैर्य सबसे बड़ी चीज है, धैर्य रखिएगा। हम ये लूसेंट कोई 1600 मीटर की रेस नहीं है, मैराथन दौड़ने जा रहे हैं हम आज से, अभी से, और नेक्स्ट वीडियो वही आने वाला है। तो मैराथन दौड़ना है तो ब्रेथ अपना जो है मजबूत रखना है, अपनी सांसों को मजबूत रखना है, स्ट्रॉन्ग ब्रेथ रखना है। आप लोगों ने दौड़ा होगा, जिन लोगों ने, वो अच्छी तरह से जानते होंगे कि 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर की रेस और 1600 मीटर की रेस में क्या अंतर होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि रिवाइज मत छोड़िएगा, रिविजन मत छोड़िएगा। 5 दिन ही 6 दिन ही मैं क्लास लाऊंगा, 7वें दिन मैं छोड़ दूंगा। 7वें दिन आपको जो भी अपने 7 दिन में पढ़ा है उसको आप रिवाइज करेंगे, माफ कीजिएगा 7 दिन नहीं 5 दिन, 6 बार रिवाइज आपको करना है। तो 5 दिन में अगर मैंने 10 चैप्टर पढ़ा दिए तो 10 चैप्टर को क्या करना है आपको पढ़ना है। अगले 5 दिन मैंने 10 और पढ़ा दिए, 20 पढ़ा दिए, तो उसके बाद जो एक दिन मिलेगा उसमें 20 को रिवाइज करना है। 100 सुनार की 1 लुहार की आपको बड़े आराम से उसको उसमें समय देना है। 30 ही दिन तो पढ़ना है दोस्त, 30 दिन ही पढ़ना है। जिस दिन मेरा क्लास नहीं होगा उस दिन मत छूएगा आप लूसेंट को, जिस दिन मैं इंटरवल ले लिया, मैंने गैप ले लिया, उस दिन मत छूइए, 30 दिन ही समझ के चलिए आपको पढ़ना है। तो ये 30 दिन जी जान लगा दो, याद हो जाएगा, मेरी गारंटी है। चाहे वो भूगोल हो, चाहे अर्थव्यवस्था हो, हर जगह हम लोग मैप, टेबल, हर चीज का सहारा लेंगे और आपकी अच्छी खासी नोट जो है तैयार हो जाएगी। पैरेलली मेरा स्पेक्ट्रम का सीरीज भी चल रहा है, मैं उसके लिए भी नोट्स बनाता हूं। तो देखिए मैं कितनी मेहनत कर रहा हूं आपके लिए। तो दूसरी बात क्या हो गई कि चीज जब रिपीट हो तो स्किप नहीं करिए, कोई एक भी इंफॉर्मेशन आप स्किप मत कीजिए। दूसरी चीज, तीसरी चीज, कभी भी जो है लूसेंट में यह मत समझिए कि कोई चीज बेकार है या हम ये क्यों पढ़े। ये तो पहला, जो मैं पढ़ा रहा हूं, जो मैं बता रहा हूं आपको, उसको आप ब्लाइंडली आपको 3 से 4 दिन फॉलो करके देखिए, आपको मजा आने लगेगा। आप पहले दिन सोचिएगा बड़ा लेंदी नोट्स हो जा रहा है, अरे लेंदी नहीं होगा तो क्या होगा यार,
30 दिन में खत्म करने जा रहे हैं ना, थोड़ा सा लंबा नोट्स होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि मैं 30 दिन में कह के आपको रोज पांच पांच चीजें पढ़ा के चला जाऊंगा, लूसेंट के नाम पे जो है आपको ठग के चला जाऊंगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। पढ़ना है तो पूरा पढ़ना है, नहीं तो नहीं पढ़ना है। तो तीसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि क्लास को जो है रेगुलर शुरू से लास्ट तक आप देखिए, उसको समझिए। आप सुन भी लेंगे ना मेरी बात को तो आपको बहुत कुछ याद हो जाएगा। और चौथी बात कि फास्ट नहीं चलना है बहुत ज्यादा, 30 दिन में समाप्त जब करना ही है तो ऑलरेडी हम लोग स्पीड में चलेंगे, तो उससे फास्ट नहीं चलना है। मैं आराम आराम से, हो सकता है वीडियो डेढ़ घंटे की, एक वीडियो डेढ़ घंटे दो घंटे की हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। जब मैं दो घंटे बोलने के लिए तैयार हूं तो आप दो घंटे सुन क्यों नहीं सकते हैं। देखिए जो निगेटिव तत्व है, निगेटिव तत्वों से दूर रहिए। जो लोग आपको ये कह रहे हैं अरे मत पढ़ो लूसेंट, इतना आसान है क्या, नहीं पढ़ सकते, बहुत खराब है, ऐसे है वैसे है, बहुत लेंदी है, मैं 20 साल से पढ़ रहा हूँ, मैं 10 साल से पढ़ रहा हूँ, मुझसे आज तक नहीं हुआ, ऐसे लोगों से दूर रहिए। और ऐसे नकारात्मक विचार बिल्कुल भी दिमाग में मत लाइए। वो किताब पढ़ने के लिए बनी है, इतनी पतली तो 300 पेज की किताब है, लोग 1000 पेज की किताब पढ़ जाते हैं। तो निगेटिविटी को आप खुद से दूर रखिए, मेरे साथ चलिए, मैं गारंटी दे रहा हूँ मेरे साथ जो है आप चलिए, हम लोग साथ में सफल होंगे यार, या साथ में डूबेंगे, बस इतना सोच के चलिए। अब तो बस कुछ खोने के लिए है नहीं, वैकेंसीज की हालत आप देख रहे हैं, तो अब हमें क्या करना है, या तो पहुंचना है चोटी पे या तो डूब जाना है, बस इतना ध्यान में रखिए। खुद को लगा दीजिए, खुद को इन्वेस्ट कर दीजिए, तभी आपको कुछ मिलने वाला है। बोर बिल्कुल मत होना दोस्त, क्लासेस लंबी होंगी क्योंकि हम लोग जो है बहुत बड़ा जो है टारगेट बहुत छोटे समय में हमने ले लिया है। और खुद देखिए, खुद पढ़ने की जो बात होती है ना वो एक अलग होती है, आप लोग भी जानते होंगे, खुद पढ़ना हो तो वो बात अलग होती है, अपने कंफर्टेबल के हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, जैसे चाहेंगे अपनी सुविधा के हिसाब से आप लोग पढ़ेंगे। लेकिन अगर किसी को पढ़ाना हो तो उसके लिए आपको स्पेशल तैयारी करनी पड़ती है, आपको उसके हिसाब से चलना पड़ता है, तो मुझे आप लोग के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो अगर कोई त्रुटि हो, कुछ अगर आपको लगे तो मुझे सलाह दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में सुधार करूंगा। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कोई भी चीज स्किप मत कीजिएगा और रेगुलर बने रहिएगा। रेगुलर लूसेंट पढ़ना है तो रेगुलर, पहला एक्सपीरियंस थोड़ा सा खराब होता है मैं जानता हूं, मैं भले ही कितनी अच्छे तरीके से पढ़ा दूं, मैंने जब खुद पढ़ा था तो पहला मुझे लगा था कुछ ना कुछ रह गया, कुछ ना कुछ अधूरा रह गया। दूसरी बार रिवाइज किया तो मजा आ गया, तीसरी बार रिवाइज किया तो और मजा आया, चौथी बार रिवाइज किया यूट्यूब पे आ गया। तो जैसे जैसे आप रिविजन करेंगे आप में परफेक्शन आते जाएगा। तो ये कुछ चीजें हैं आपको जो है हमेशा मैप वगैरह की सहायता से पढ़िए, आपको याद रहेगा, रिवाइज करते रहिए। कुछ चीजें जो है लूसेंट शुरू करने से पहले मैंने सोचा कि मैं आपसे डिस्कशन कर लूं, धैर्य बनाए रखिएगा, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। बहुत कुछ को मैंने स्किप भी किया है, जो मेरे हमारे काम की नहीं है उसको मैंने स्किप भी किया है इसमें। लेकिन हमें लूसेंट पढ़ना है, और लूसेंट की जो किताब है वो आपको पीसीएस नहीं निकलवा सकती, मैं क्लियर कह दे रहा हूं आपको। पीसीएस के लिए आपको लंबी लंबी किताबें पढ़नी होगी, थोड़ी मोटी किताबें पढ़नी होगी। लूसेंट आपको जो है आरआरबी या फिर वन डे एग्जाम जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें जीके जीएस के लिए सोचना नहीं पड़ता है, अगर आपने लूसेंट ठीक से पढ़ रखा है, करंट अफेयर्स का आपके पास संग्रह है। तो आशा करता हूं मेरी बात को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, इस पर अमल करेंगे और गौर करके पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। अगर आप वन डे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है हमारा अगला सेशन आपके लिए। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा मैं, दूसरा वीडियो भी मुझे बनाना है, आप लोग रेडी हो जाइए, एकदम कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और तैयार हो जाइए, नोट तैयार है, अगला वीडियो तुरंत लाता हूँ। थैंक यू वेरी मच।